देखिए, चार फ्रंट में मुझे लगता है इस पूरे विषय को डील करना पड़ेगा, और मैं इसकी अथॉरिटी नहीं हूं, मगर मुझे लगता है मिलिटरली फ्रंट, जो मिलिटरी का फ्रंट होता है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने, और मेरे लिविंग मेमोरी में पहली बार किसी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने शक्ति प्रदर्शन, कोट अनकोट शक्ति प्रदर्शन का इस्तेमाल किया है कि अगर हमारे देश के संप्रभुता के ऊपर कोई भी घुसपैठ करेगा तो हम शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं, तो मिलिटरी फ्रंट। दूसरा फ्रंट डिप्लोमेटिक फ्रंट होता है। कल ही आप लोगों ने न्यूज ब्रेक किया था कि भारत के जो हमारे MEA हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दोनों के बीच बातचीत हुई, डिप्लोमेटिक फ्रंट। थर्ड इकोनॉमिक फ्रंट, आपने देखा किस प्रकार रेलवे के टेंडर्स, BSNL, MTNL के टेंडर्स, ये सब कैंसिल किए गए हैं जो हजारों करोड़ों में जाते हैं, और ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऑथराइज्ड नहीं हूं, मगर एक दिशा दिख रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे। और जो अल्टीमेट फ्रंट होता है वो पॉलिटिकल फ्रंट होता है कि बाकी देशों से बात करना और एक पूरी तरह से रणनीति विश्व में फैलाना। भारत आज एक बहुत सक्षम देश है। मैं बार बार कहता हूं, जो 1962 का इंडिया था वो 2020 का इंडिया नहीं है, ये बहुत अलग इंडिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंडिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।